गुड मॉर्निंग एवरीवन, लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। एंड आज के एनसीईआरटी सीरीज में वी विल डिस्कस थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6 इन द अर्लीस्ट सिटीज। फाइन, सो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि अर्लीस्ट टाइम्स में लोग हंटिंग गैदरिंग किया करते थे एंड देन ग्रेजुअली विद द चेंजेस इन एनवायरमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स अगो दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप एंड एग्रीकल्चर के साथ साथ फिर सेटलमेंट डेवलप की, घर बनाए लोगों ने एंड देन पीपल स्टार्टेड लिविंग इन सेटल्ड लाइफ। और जब एग्रीकल्चर करते करते लोग सेटल्ड लाइफ में रहने लगे तो सिटीज की डेवलपमेंट हुई एंड साथ साथ सिविलाइजेशन आई अर्ली पीपल की लाइफ में। ठीक है, एंड इस चैप्टर में हम अर्लीस्ट सिटीज के बारे में पढ़ेंगे कुछ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक हड़प्पा सिटी की स्टोरी बताई है जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। यू कैन सी इन द मैप, ये पंजाब का रीजन है जो कि पार्टीशन से पहले का पंजाब है, जिसमें इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं अलोंग विद इंडस रिवर। और इस रीजन में यहाँ पे एक सिटी है हड़प्पा जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में है एंड इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, नाउ सी की स्टोरी क्या है कि आज से नियरली 150 इयर्स पहले जब पंजाब में रेलवे लाइंस लगाने का काम स्टार्ट किया था तो इंजीनियर्स को जो भी वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे उनको वहां एक साइट मिली जहां पे हाई क्वालिटी रेडीमेड ब्रिक्स पड़ी हुई थी, एक माउंट मिला, मतलब ईंटों का एक ढेर उनको वहां पे मिला जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी की बेक्ड ब्रिक्स थी। और ये ब्रिक्स वहां पे कुछ बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स में थी, लेकिन इंजीनियर्स को लगा या जो भी वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है, किसी काम की नहीं है। तो उन्होंने अपना रेलवे लाइंस बिल्ड करने का जो काम था उसमें इन्हीं ब्रिक्स को निकाल के यूज कर लिया। ठीक है, एंड इन ओल्ड बिल्डिंग्स में से थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स उन्होंने निकाल के रेलवे लाइंस बना ली अपनी एंड बहुत सारी बिल्डिंग्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, अब देखो बिल्डिंग्स तो डिस्ट्रॉय हो गई, पुरानी बिल्डिंग्स थी वैसे भी, वो ना तो वहां कोई रहता था एंड ना ही वो किसी यूज में आ रही थी एंड वहां से ब्रिक्स निकाल के उनको और ज्यादा डिस्ट्रॉय करके न्यू रेलवे लाइन की अपनी कंस्ट्रक्शन कर ली। लेकिन लेटर ऑन बाद में अबाउट 70 इयर्स आफ्टर, मतलब आज से 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट को वो साइट मिली एंड उनको ये रियलाइज हुआ कि ये जो साइट है या माउंट है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है। एंड क्योंकि ये सिटी सबसे पहले डिस्कवर की गई थी तो बाकी जितनी भी सिटीज बाद में डिस्कवर हुई जहाँ पे ऐसी ही सिमिलर थिंग्स एंड बिल्डिंग्स मिली हैं उन सबको इसी सिटी के नाम से डिस्क्राइब किया गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करके रिसर्च करके ये पता लगाया है कि ये जो सिटीज थी आज से 4700 ईयर पहले डिस्कवर हुई डेवलप हुई थी। फाइन, अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट को पुरानी बिल्डिंग से इनसे ये रियलाइज हुआ कि इनको कंजर्व करने की जरूरत है, इनको डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहिए। एंड इन ओल्डेस्ट बिल्डिंग से उन्होंने पास्ट के बारे में पता लगाया, जो ओल्डेस्ट सिटीज थी वहां की लाइफ कैसी होती थी इनके बारे में ये जानने का बहुत अच्छा सोर्स है। एंड नाउ सी कि इन सिटीज के बारे में स्पेशल क्या चीज है इतनी, मतलब इन पुरानी सिटीज में ऐसी क्या खास बात थी जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करके पता लगाई है। तो देखिए ज्यादातर सिटीज दो पार्ट में डिवाइड थी, एक इनमें अपर पोर्शन हुआ करता था जिसको सिटेडल बोलते थे एंड ये स्मॉल पोर्शन हुआ करता था सिटीज का जो कि जनरली वेस्ट डायरेक्शन में हुआ करता था
तो वेस्टर्न पोर्शन इनका हायर होता था एंड स्मॉल होता था, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज सिटेडल बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। एंड जो ईस्टर्न पार्ट होता था सिटी का, वो नीचे होता था सिटेडल से, इट वॉज लोअर पोर्शन, एंड इसको लोअर टाउन डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये बड़ा पोर्शन लोअर टाउन जो कि नीचे होता था, एंड उससे थोड़ा ऊपर सिटेडल जो कि स्मॉल पोर्शन होता था सिटी का वेस्ट में, एंड ये ईस्ट में। ठीक है, और ये जो दो पार्ट्स हुआ करते थे इन सिटीज के, सिटेडल एंड लोअर टाउन, इनके अराउंड हमेशा ब्रिक से बाउंड्रीज बनी होती थी। और ये जो ब्रिक थी ईंटें, ये इतनी वेल बेक्ड थी कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक भी ये सरवाइव की, और 4,500 साल बाद इन्हीं ईंटों को यूज करके लोगों ने न्यू कंस्ट्रक्शंस भी बना ली। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे लोगों ने इतनी वेल बेक करके ये ब्रिक्स प्रिपेयर की थी कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनी, एंड उन्होंने जो वॉल्स बनाई थी ब्रिक्स से, वो भी एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाई थी, जिससे वॉल्स बहुत ही स्ट्रांग बनी थी उनकी। ठीक है, अब देखो ये जो वेस्टर्न पोर्शन या हायर पोर्शन सिटेडल हुआ करता था सिटीज में, यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती थी, जैसे मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो एक इम्पोर्टेंट सिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो यहाँ पे एक स्पेशल टैंक मिला है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ का नाम दिया है, और इस टैंक को भी उन्होंने ब्रिक से कंस्ट्रक्ट किया है लाइंड वे में, एंड फिर उसके ऊपर प्लास्टर करके एक वाटर टाइट लेयर तैयार की है ताकि पानी उससे बाहर ना जाए, लीक प्रूफ बिल्कुल ये बाथ बनाया गया था। एंड इस टैंक के दोनों साइड पे स्टेप्स थे नीचे आने के लिए अंदर, मतलब स्टेयर्स बनाई गई थी, एंड आसपास रूम्स थे। ठीक है, एंड पानी यहाँ पे प्रोबेबली किसी आसपास के वेल से आता होगा, एंड यूज के बाद उसको ड्रेन कर देते होंगे। एंड ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल ओकेजन्स में, किसी फेस्टिवल में कोई रिचुअल परफॉर्म करते हुए यहाँ पे लोग बात करने आते हो। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट साइट मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो में, ग्रेट बाथ, एंड ये सिटेडल पे था। नेक्स्ट देखो मैप पे हड़प्पा, तो ये जो सिटी है सबसे पहले डिस्कवर की थी, दैट इज वाई इट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक इम्पोर्टेंट सिटी इसकी मोहनजोदारो है, एंड इन दोनों सिटीज के अलावा सिमिलर रिमेन्स हमें और भी कई जगह पे मिले हैं, जैसे राखी गली, कालीबंगन, गनवेरी वाला, चन्हुदारो, सुटकाहो, धोलावीरा, एंड लोथल एक्सेट्रा। एंड क्योंकि ये अर्ली पंजाब वाला रीजन है, जिसमें आज प्रेजेंटली कुछ सिटीज पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है, तो यहाँ पे ये इंडस रिवर फ्लो करती है, एंड ये सारी सिटीज इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुई थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक इमेज है कि हड़प्पन सिटीज में किस तरह से ब्रिक्स को अरेंज करके वॉल्स बनाई जाती थी, एंड यहाँ पे हाउसेस जनरली एक से दो स्टोरीज तक के होते थे, जिसमें बीच में कोर्टयार्ड मतलब डेरा होता था, एंड आसपास इसके अराउंड रूम्स बनाए जाते थे, जिसमें कुछ घरों के अपने वेल्स भी होते थे बाहर पानी के लिए, एंड ज्यादातर घरों में अपना सेपरेट बाथिंग एरिया भी होता था। ठीक है, एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इन सिटीज का था, वो था इनका केयरफुली लेड ड्रेनेज सिस्टम। इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था उस टाइम पे, बहुत ही केयरफुली लेड आउट किया हुआ था स्ट्रेट लाइंस में, एंड ड्रेन्स को ये कवर करके रखते थे, एंड हर एक ड्रेन का एक जेंटल स्लोप होता था, मीन्स उसको ढलान में बनाया जाता था ताकि पानी रुके ना, एंड वो कंफर्टेबली फ्लो आउट हो जाए। ठीक है, एंड सभी घर इनसे कनेक्टेड होते थे ड्रेन्स के साथ, स्मॉलर ड्रेन्स से ये कनेक्टेड होते थे, फिर ये जो ड्रेन्स थी ये स्ट्रीट्स की बड़ी ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड रहती थी, एंड इनमें थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद
इंस्ट्रक्शन होल्स भी बनाए जाते थे, जैसे गटर टाइप में जिसका ऊपर ढक्कन होता था ताकि वो टाइम टू टाइम क्लीन कर सकें। ठीक है। एंड अपनी सिटीज की लेआउट में हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, ये सारा जो प्रोसीजर है साथ ही बनाया जाता था। एंड एक ग्रिड पैटर्न में इनकी सिटीज होती थी, मतलब जैसे केयर्स में जैसे ये हाउसेस हैं एंड बीच में ये गलियां हैं, तो इस तरह से एक ग्रिड पैटर्न इन सिटीज में फॉलो होता था ड्रेनेज सिस्टम का और हाउसेस का। ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस इमेज में एक स्ट्रीट की फोटो है जो कि मोहनजोदारो की एक स्ट्रीट है, एंड ब्रिक्स से सारा कुछ ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और घरों के बाहर इस तरह के वेल्स बनाए जाते थे ताकि अगर कोई ट्रैवलर है जिसको पानी पीना हो तो वो भी बाहर से बाहर ही पी सके। एंड हाउस होल्ड की भी सारी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी वो वेल्स से होती थी। ठीक है। तो ये तो थी लेआउट की बात सिटीज की। नाउ सी कि इन सिटीज में लाइफ कैसी होती थी। सो हरप्पन सिटी की लाइफ बहुत ही बिजी हुआ करती थी, क्योंकि जो इतनी स्पेशल बिल्डिंग्स यहाँ पे सिटीज में मिली हैं, इतनी वेल डेवलप्ड सिटीज थी, तो प्रोबेबली कुछ लोग ये सिटीज को प्लान करते होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते होंगे, एंड प्रोबेबली यहाँ पे रूलर्स भी रहे हों जिनके ऑर्डर्स को लोगों ने फॉलो किया हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स, स्टोन्स और अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जो कि डिस्टेंट लैंड्स के हैं, तो प्रोबेबली रूलर्स ने अपने लोगों को ट्रेड करने के लिए दूसरी कंट्रीज में भेजा हो, एंड वहां से वो मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स भी लेके आते होंगे, बिकॉज ये सब रिमेन्स इन सिटीज में मिले हैं। काफी सारे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स भी ये लोग रखते थे, ऑर्नामेंट्स भी पहनते होते थे गोल्ड के, सिल्वर के, एंड बहुत सारे ब्यूटीफुल बीड्स भी रखते थे ये, जो कि ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज करते थे। एंड ऑल्सो देयर वर स्क्राइब, तो पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, जिनको लिखना आता था, जो पढ़े लिखे थे वो स्क्राइब्स पे लिखते भी थे। एंड इनकी सील्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है और एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सोर्स है इनके बारे में जानने का। एंड परहैप्स दे रोट ऑन अदर मटेरियल्स ऑल्सो, जो कि सरवाइव नहीं हुआ, लेकिन जो चीजें बच गई हैं उनमें स्क्राइब्स और सील्स मिली हैं हमें, जिससे ये पता चलता है कि ये राइटिंग वर्क भी किया करते थे, लिखते भी थे, लेकिन ये किस लैंग्वेज में लिखते थे उसको अभी आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, बिकॉज जिस लैंग्वेज में इनकी सील्स मिली हैं, जो भी उनमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो है लेकिन डिसाइफर नहीं कर पाए हैं अभी तक उसको, तो इनकी जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है। ठीक है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो मेन एंड वीमेन थे, क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे, जो कई तरह की चीजें बनाया करते थे, आइदर इन होम्स और देयर वर्कशॉप्स। पीपल यूज टू ट्रेवल ऑल्सो। एंड इसके अलावा बहुत सारे टेराकोटा के टॉयज भी मिले हैं इन सिटीज से, तो मतलब वो टेराकोटा टॉयज से उस टाइम के चिल्ड्रन खेलते रहे होंगे। यू कैन सी द इमेज ऑफ दीज टेराकोटा टॉयज। यहाँ राइट साइड में जो इमेज है ये टॉयज की है। टेराकोटा एक मिट्टी है, उससे बने हुए ये खिलौने हैं। एंड यहाँ पे एक सील है जिसमें एक ड्राइंग बनी हुई है एनिमल की, एंड साथ में कुछ लिखा भी हुआ है। एंड ये जो इनकी स्क्रिप्ट है ये अनडिसाइफर्ड है, ये उनकी अपनी लैंग्वेज है जिसको वो बोलते होंगे, लिखते होंगे। सिटीज में लोग काफी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज रहा करते थे, एंड बिजी प्लेस थी हरप्पन सिटी, और अपने क्राफ्ट वर्क के लिए बहुत ही फेमस हुआ करती थी, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है वो स्टोन से बनी हुई है, शेल से या मेटल से, मेटल्स में इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, इनसे बने हुए ऑर्नामेंट्स मिले हैं। एंड कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो मेटल्स हैं ये ज्यादातर टूल्स, वेपन्स बनाने के काम आते होंगे, एंड इनके वेसल्स, बर्तन भी मिले हैं, ऑर्नामेंट्स भी हैं, और गोल्ड एंड सिल्वर ज्यादातर ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स के इनके चीजें मिली हैं, और
जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं इन सिटीज के क्राफ्ट वर्क का, वो यहाँ के बीड्स हैं, वेट्स और ब्लेड्स। जैसे इस इमेज में बीड्स से बने हुए ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं, मोती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, तो इस तरह के वहाँ पे ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे। और ये बीड्स ज्यादातर कार्नेलियन के बने होते थे, जो कि एक ब्यूटीफुल सा रेड स्टोन होता है, एंड फिर उसको कट करके, उसको शेप देके, पॉलिश करके फाइनली, एंड उसमें होल करके सेंटर में, एंड फिर इनमें से अपने होल्स में से इन स्टोन्स के स्ट्रिंग पास करके ये ऑर्नामेंट्स बनाते थे। ठीक है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर है इन सिटीज के क्राफ्ट वर्क का। देन यहाँ पे एक सेकेंड इमेज ब्लेड्स की है, तो काटने का जो भी काम होता था वो इन ब्लेड से करते थे। एंड इसके अलावा जैसे इस इमेज में स्टोन के वेट्स हैं, इस तरह के वेट्स वो यूज करते थे ट्रेड के लिए प्रोबेबली। एंड नोटिस की कितने केयरफुली और प्रिसाइसली इन वेट्स को शेप किया गया है। एंड ये जो वेट्स होते थे ये एक स्टोन के बने होते थे, जिसको चर्ट बोलते हैं। चर्ट एक स्टोन है, एक तरह का पत्थर, उससे ये वेट्स बनाए जाते थे ताकि वो ट्रेड कर सके, एंड ट्रेड के लिए जो भी चीजों को तोलने के लिए ये वेट्स होंगे। तो इसका मतलब इन सिटीज में ट्रेड भी होता था, एंड सिर्फ विद इन द सिटी या आसपास की सिटीज के साथ ही नहीं, बल्कि फॉरेन के साथ भी ट्रेड होता था इनका, क्योंकि डिस्टेंट लैंड्स के भी रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, एंड हड़प्पन पीपल स्टोन्स से सील्स भी बनाया करते थे, एंड ये सील्स जनरली रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, एंड यूजली इन पे किसी एनिमल की पिक्चर बनी होती थी। ठीक है, एंड दे ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। और देखिए कि कॉटन की कल्टीवेशन मेहरगढ़ में आज से 7000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, और हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज में क्लोथ्स के भी एक्चुअल पीसेस मिले हैं, एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स, जिससे वो कपड़ा बनाने का काम किया करते थे, थ्रेड को स्पिन करने के लिए स्पिंडल वॉल्स यूज करते थे, जो कि टेराकोटा और फेंस से बने होते थे। और फेंस क्या है, ये एक जिस तरह से ये इमेज में एक चीज दिख रही है, ये बीड्स, बैंगल्स और इयर रिंग्स, टाइनी वेसल्स, छोटे छोटे बर्तन या कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आता था। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क होता था सिटीज में इनमें, तो हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल इनमें अलग अलग तरह की चीजों में स्पेशलिस्ट होते हो। जैसे ये एक इमेज है, इसमें ये जो मूर्ति बनाई गई है जिसमें किसी का फेस बनाया है, ये भी हो सकता है कि ये किसी किंग का फेस हो एंड किसी स्पेशलिस्ट ने इसको बनाया हो। सो कुछ लोग यहाँ पे स्पेशलिस्ट भी होंगे, एंड बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में अपने एंगेज रहते थे। तो हमने देखा कि इन सिटीज में लाइफ बहुत ही बिजी रहा करती थी, एंड क्राफ्ट वर्क इनका एक मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई तरह के आइटम्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं इन सिटीज से। ठीक है, नाउ सी कि ये जो क्राफ्ट वर्क करते थे ये अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आते थे। तो देखिए, रॉ मटेरियल कुछ तो नेचुरली मिल जाता है, जैसे वुड्स और मेटल्स के लिए ओर्स मिल जाते हैं जो कि फार्मर्स और हर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं। देन फिर इन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज करके फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे फार्मर कॉटन प्रोड्यूस करता है जो कि एक रॉ मटेरियल है, फिर उसको प्रोसेस करके क्लोथ बनाना, उसका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करना, इस तरह से ये रॉ मटेरियल ऑब्टेन करके कई तरह के फिनिश्ड प्रोडक्ट भी तैयार करते थे एंड ट्रेड भी करते थे। ठीक है, तो कुछ रॉ मटेरियल तो लोकली अवेलेबल था, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे भी थे जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन, इनको दूर दूर डिस्टेंट प्लेसेस से लेके आना पड़ता था। इसमें कॉपर को हड़प्पन प्रोबेबली प्रेजेंट डे जो राजस्थान है वहां से लेके आते थे, एंड कुछ कॉपर वेस्ट एशिया में एक कंट्री है ओमन, वहां से इम्पोर्ट करते थे। एंड इसके अलावा टिन, जिसको कि मिक्स करके कॉपर के साथ ब्रॉन्ज प्रोड्यूस किया जाता था,
तो ये टिन आज के अफगानिस्तान से लेके आया जाता था, अफगानिस्तान और ईरान से, जबकि गोल्ड को कर्नाटक से लेके आया करते थे। कर्नाटक इंडिया में एक सदर्न स्टेट है, वहां से गोल्ड लाया जाता था। एंड जो अदर प्रीशियस स्टोन्स थे वो प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से इंपोर्ट होते थे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द सिटी लाइफ ऑफ हरप्पन पीपल। नाउ सी व्हाट टाइप ऑफ फूड दे ईट। ठीक है, तो देखो ज्यादातर लोग तो यहाँ पे सिटीज में रहा करते थे, जबकि कुछ कंट्री साइड में या विलेजेस में क्रॉप्स ग्रो करते थे, एनिमल्स को रियर किया करते थे। ये फार्मर्स और हर्डर्स ही क्राफ्ट पर्सन्स को भी फूड सप्लाई किया करते थे। मतलब फूड को प्रोड्यूस फार्मर्स एंड हर्डर्स करते थे, एंड फिर जितने भी अदर ऑक्यूपेशन को करने वाले लोग थे, चाहे क्राफ्ट पर्सन हैं, चाहे स्क्राइब्स हैं लिखने वाले, या रूलर्स हैं सिटीज के, सबको फिर यही फूड सप्लाई करते थे। ट्रेड होता था प्रॉपर, एंड मोस्टली ये व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम और लिंसीड एंड मस्टर्ड, ये सब तरह की क्रॉप के ग्रो किया करते थे। एंड एक न्यू टूल जिसको प्लो कहते हैं, हल यूज करते थे ये अर्थ को डिग आउट करने के लिए, टू प्लांट द सीड्स, जो कि प्रोबेबली वुड से बना होता होगा, लेकिन वो तो अभी नहीं सरवाइव हुआ, इतने टाइम के साथ वो डिस्ट्रॉय हो गया। जबकि जो टॉय मॉडल्स हैं प्लो के, वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एग्रीकल्चर में प्लो को यूज करते थे। एंड बिसाइड दिस, ये जो रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा नहीं होती, तो किसी तरह की इरिगेशन भी ये यूज करते होंगे, कोई आर्टिफिशियल मीन्स इरिगेशन के लिए, जैसे पास में ही इंडस रिवर है, जिसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, तो उससे वो पानी लेके अपनी फील्ड्स में इरिगेशन किया करते होंगे, बिकॉज रेनफॉल यहाँ ज्यादा नहीं होती। एंड वो वाटर को स्टोर भी करके रखते होंगे। फाइन। एंड हरप्पन पीपल कैटल्स भी रियर करते थे, जैसे शीप, गोट, बफेलो, जिनके लिए वाटर और पास्चर उनके खाने के लिए आसपास के एरियाज में, सेटलमेंट्स में मिल जाता था। लेकिन ड्राई समर सीजन के टाइम पे ये हर्डर्स अपने एनिमल्स को लेके ग्रेट डिस्टेंसेस तक चले जाते थे, दूर किसी जगह पे, ताकि उनके लिए ग्रास और वाटर मिल सके। एंड बिसाइड दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स कलेक्ट किया करते थे, जैसे बेर, फिशिंग करते थे, एंड वाइल्ड एनिमल्स को हंट भी किया करते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। तो देखिए, धौलावीरा जो सिटी है वो गुजरात के रान ऑफ कच्छ में खादीर बेल्ट में सिचुएटेड है, जहाँ पे सॉइल काफी फर्टाइल है एंड फ्रेश वाटर अवेलेबल है। एंड इस सिटी की स्पेशल बात ये है कि जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन की दूसरी सिटी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, ये सिटी तीन पार्ट में डिवाइडेड थी, एंड हर एक पार्ट मासिव स्टोन वॉल्स से सराउंडेड था, जिसमें एंट्रेंसेस थे थ्रू गेटवेज, एंड देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। यहाँ पे एक लार्ज ओपन एरिया था जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी। एंड इन सब के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को धौलावीरा में जो एक मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर मिला है वो हरप्पन स्क्रिप्ट है, जिसमें बिग लेटर्स में लिखा है, बहुत ही लार्ज लेटर्स में उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। मतलब व्हाइट कलर के स्टोन पे उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में कार्व करके लेटर्स लिखे हैं, जो कि एक यूनिक फाइंडिंग है हरप्पन राइटिंग की, बिकॉज जो अदर सिटीज में हरप्पन स्क्रिप्ट मिली हैं वो जनरली स्मॉल सील्स पे मिली हैं, छोटी छोटी सील्स पे, लेकिन धौलावीरा में एक व्हाइट स्टोन पे बहुत ही बिग लेटर्स में ये स्क्रिप्ट उनका कुछ लिखा हुआ मटेरियल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट गुजरात में एक इम्पोर्टेंट हरप्पन सिटी लोथल है, जो कि साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी के पास लोकेटेड है, विच इज क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। एंड ये वो एरिया है जो कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जहाँ पे पास में ही अवेलेबल हैं, जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन यहाँ पे इजिली अवेलेबल थे। सो दिस वॉज द इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स
तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने का, क्राफ्ट वर्क करने का ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था, जिसमें स्टोन से, शेल से या और मेटल से डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट वर्क और ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। एंड इसलिए यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी था सिटी में, जिसमें बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स मिली हैं। एंड एक बिल्डिंग भी मिली है इस सिटी में, जो कि प्रोबेबली एक वर्कशॉप हो सकती है बीड्स मेकिंग की। एंड इसके अलावा स्टोन के पीसेस, हाफ मेड बीड्स, टूल्स और बीड मेकिंग के काफी सारे एविडेंसेस मिले हैं। फिनिश्ड बीड्स भी मिले हैं यहाँ पे बहुत सारे लोथल में। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट ये क्राफ्ट का सेंटर रहा है एंशियंट टाइम्स में। फाइन, अब देखो सील्स एंड सीलिंग्स क्या होते हैं। सील्स जो होते हैं ये एक्चुअली एक तरह के स्टैम्प बैग्स होते थे, और जब कोई गुड या फिनिश्ड गुड किसी दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना होता था तो ये सील्स साथ में लगा दी जाती थी उस बैग को क्लोज करने के या टाई अप करने के बाद। एंड फिर एक क्ले की लेयर उस पे लगाई जाती थी, जो कि एक नॉट का काम करती थी। एंड सील उस पे प्रेस की जाती थी, एंड फिर जो इम्प्रेशन उस पे बनता था दैट इज कॉल्ड सीलिंग। और अगर ये सीलिंग इंटैक्ट है, उस पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कहीं से टूटी नहीं है, देन इट मीन्स कि ये जो गुड है ये सेफली अराइव हो गया, किसी ने बीच में रास्ते में देखा नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो 4700 इयर्स पहले जो इतनी एडवांस सिटीज थी, सिविलाइजेशन थी, तो ये सब खत्म कैसे हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री है। सो 3900 इयर्स अगो क्या हुआ, एक मेजर चेंज आना स्टार्ट हुआ था, जिसमें लोगों ने इन सिटीज में रहना अचानक से स्टॉप कर दिया। राइटिंग्स जो थी इनकी, सील्स, वेट, ये अब यूज में नहीं थी। एंड ट्रेड के लिए और जो रॉ मटेरियल डिस्टेंट लैंड से लेके आया जाता था वो सब भी अब बहुत रेयर हो गया था। और मोहनजोदारो जो एक इम्पोर्टेंट सिटी थी हरप्पन सिविलाइजेशन की, वहां पे स्ट्रीट्स पे गार्बेज के ढेर लग गए थे, गार्बेज के, एंड ड्रेनेज सिस्टम भी सारा टूट गया। एंड इनकी जगह पे नए घर बने जो कि लेस इम्प्रेसिव थे, जैसे उस टाइम पे प्रॉपर वे में हाउसेस बिल्ड किए जाते थे, ये नए घर उस तरह के नहीं थे और ना ही किसी प्रॉपर पैटर्न में इन सिटीज की लेआउट हुई थी। जस्ट स्ट्रीट्स में ही लोगों ने घर बनाने स्टार्ट कर दिए, एंड वो भी बहुत लो क्वालिटी के। लेकिन ये सब कैसे हुआ इसके बारे में प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है। कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे रिवर्स ड्राई हो गई थी, एंड कुछ ये कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि ब्रिक्स को बेक करने के लिए फ्यूल चाहिए होता था, वुड्स जो कि डिफॉरेस्टेशन करके मिलता था फॉरेस्ट को कट करके। एंड फॉरेस्ट को लार्ज स्केल पे कट कर दिया, तो बाद में लोगों ने फिर इन जगहों को छोड़ के दूसरी प्लेसेस पे जाना स्टार्ट कर दिया। एंड बिसाइड जो हर्डर्स होते थे, कैटल्स, उनके शीप, गोट, इन सब ने जो ग्रेजिंग की आसपास के एरियाज पे, तो उससे ग्रीन कवर सारा डिस्ट्रॉय हो गया। और कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे फ्लड्स आई होंगी, लेकिन ये सब रीजन प्रॉपरली इस सिविलाइजेशन के एंड को एक्सप्लेन नहीं करते। कई बार ये भी कहा जाता है कि यहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे उनका अब कंट्रोल नहीं रहा था अपने सब्जेक्ट्स पे। लेकिन ये सारे ही जो रीजंस दिए गए आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ये सभी अनक्लियर हैं, कोई भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते ये कि किस तरह से ये सिविलाइजेशन खत्म हुई। इसलिए हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड आज भी एक मिस्ट्री ही है। और इस सिविलाइजेशन के एंड के साथ इनकी जो घर बनाने की, सिटीज लेआउट की जो टेक्निक्स थी, और जो इनका क्राफ्ट वर्क था, एंड इनकी स्क्रिप्ट, सभी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा भी नहीं जा सका, क्योंकि वो लैंग्वेज आज भी अननोन है। बस जो लोग यहाँ रहा करते थे वो या तो किसी नेचुरल कैलामिटी के वजह से रहे नहीं यहाँ, फिर
दूसरी जगह वो उन्होंने शिफ्ट कर लिया और ईस्ट या कहीं साउथ में स्मॉलर सेटलमेंट्स बना के रहने लगे। ठीक है, तो ये तो सिविलाइजेशन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। एंड उसके बाद 1400 इयर्स लेटर न्यू सिटीज इमर्ज हुई। ठीक है, एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है इन द अर्लीस्ट सिटीज, जिसमें हमने इंडस वैली के आसपास के रीजन में जो 4700 इयर्स अगो सिटीज डेवलप हुई थी उनके बारे में पढ़ा। एंड नाउ देयर इज सम अनदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो देखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, दैट इज इजिप्ट। और इजिप्ट का ज्यादातर जो एरिया है वो ड्राई डेजर्ट है। सिर्फ रिवर नाइल के आसपास का जो लैंड है वो एक फर्टाइल लैंड है, बाकी सब डेजर्ट एरिया है। एंड इस रीजन में अराउंड 5000 इयर्स अगो किंग्स जो इजिप्ट पे रूल किया करते थे वो अपनी आर्मीज को डिस्टेंट लैंड्स पे भेजा करते थे टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स को लेने के लिए वो अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी आर्मीज को भेजा करते थे। एंड दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टोम्स, अपनी ह्यूज वो टोम्स बनवाया करते थे जिनको पिरामिड्स बोलते हैं। एंड व्हेन दीज किंग्स डाइड तो उनकी डेड बॉडीज को इन्हीं पिरामिड्स के अंदर बरी किया जाता था एंड प्रिजर्व करके रखा जाता था, और इन केयरफुली प्रिजर्व डेड बॉडीज को ममीज कहा जाता था। फाइन, एंड इनके साथ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बरी किए जाते थे विच इंक्लूडेड फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स, एनिमल्स, काफी तरह के इनके साथ और भी ऑब्जेक्ट्स। एंड समटाइम्स इनके लिए सर्विंग मैन एंड वेमेन भी साथ में रूलर्स के बरी किए जाते थे। एंड दीज आर अमंगस्ट द मोस्ट इलेबोरेट बरियल्स इन नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, नाउ रिकॉल सम इम्पोर्टेंट डेट। तो कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ में अबाउट 700 ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी, आज से 7000 साल पहले। एंड जो सिटी लाइफ बिगैन हुई थी वो कब हुई थी, 4700 ईयर्स अगो। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या डेटिंग है, 4700 ईयर्स अगो। फाइन, नेक्स्ट, बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ दीज सिटीज कब हुआ, 3900 ईयर्स पहले ये जो सिटीज थी ये एंड होनी स्टार्ट हो गई थी, इनकी सिविलाइजेशन खत्म होने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन सिटीज के खत्म होने के बाद जो दोबारा सिटीज इमर्ज हुई थी दूसरी, वो 2500 इयर्स अगो हुई थी। फाइन, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ वॉज यूज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि आर्कियोलॉजिस्ट को ये कैसे पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में या हड़प्पन सिटीज में लोग कपड़े का भी इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल्स फ्रॉम द एक्सकेवेशन साइट। तो जहाँ जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवरी की, एक्सकेवेशन की एंड पुरानी बिल्डिंग्स को स्टडी किया है, तो वहाँ पे जो उनको रिमेन्स मिले हैं उसमें उनको स्पिंडल्स के, मतलब सिलाइयों के भी रिमेन्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो क्लोथ बनाते होंगे एंड यूज भी करते थे। तो प्रेजेंस ऑफ स्पिंडल शोज दैट पीपल इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज एंड मेक क्लोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स। तो देखिए, कॉपर को हम मैच करेंगे राजस्थान के साथ, क्योंकि कॉपर राजस्थान से लेके आया जाता था। एंड गोल्ड की हमारे इंडिया में कर्नाटका में कोलार माइंस हैं, तो वहीं से ये लेके आया जाता था गोल्ड। एंड गोल्ड से वो अपने ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वेसल्स बनाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। ठीक है, देन टिन को वी विल मैच विद अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान से टिन लाया जाता था। एंड टिन को कॉपर के साथ मिक्स करके एक मेटल ब्रॉन्ज बनाया जाता था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर। फाइन, देन प्रीशियस स्टोन्स जो थे अदर, वो कहाँ से लाए जाते थे, गुजरात से। ठीक है,
सो दिस इज द आंसर की ऑफ मैच द फॉलोइंग. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर मेटल्स राइटिंग द व्हील एंड द फ्लो इम्पोर्टेंट फॉर द हरप्पन, कि ये सब चीजें हरप्पन पीपल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों थी. तो देखिए ये सारी अलग अलग वेज में डिफरेंट वेज में इम्पोर्टेंट थी उनकी लाइफ में, क्योंकि मेटल्स जो थे उनको वो वेरियस टूल्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी और सील्स बनाने के लिए यूज करते थे. वहीं राइटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए यूजफुल थी, एंड जैसे कि आज भी है, एंड अपने जो भी ट्रेड रिलेटेड रिकॉर्ड थे और भी अदर पर्पसेस के लिए वो राइटिंग को यूज करते थे. एंड व्हील की इम्पोर्टेंस कार्ट्स में थी, कार्ट्स में वो व्हील से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्पफुल था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था व्हील. एंड जब डिस्टेंट लैंड से प्रीशियस मेटल्स स्टोन्स लेके आने हों तब भी इन्हीं कार्ट्स में लेके आते थे, तो ट्रेड के लिए भी ये काफी यूजफुल था. एंड इट वॉज ऑल्सो यूज एज पॉटर्स व्हील, तो उससे वो पॉट्स और अदर वेसल्स बनाने के काम भी लेते थे. एंड फ्लो की इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर के लिए थी, क्योंकि फार्मिंग के लिए लैंड की टिलिंग करने का काम फ्लो से होता था. ठीक है, तो ये सारी चीजें ही इम्पोर्टेंट थी हरप्पन पीपल की लाइफ में, बिकॉज काफी बिजी लाइफ उनकी हुआ करती थी. एंड एवरी पीपल, हर एक इंसान वहाँ पे डिफरेंट ऑक्यूपेशन में एंगेज होते थे, एंड मोस्टली यहाँ क्राफ्ट पर्सन होते थे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन एंड विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट. तो उस टाइम पे एनिमल फिगर, मॉडल कार्स और क्लोज, इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट टॉयज हुआ करते थे, एंड जो कि इस लेसन में मेंशन किए गए हैं. आर्कियोलॉजिस्ट को इनके रिमेन्स मिले हैं इस तरह के कुछ मॉडल्स के, जैसे मॉडल कार्ट और कुछ एनिमल के फिगर्स जो कि टेराकोटा की बनी होती थी. एंड प्लो भी असली का तो वुड का होता होगा, लेकिन टॉय प्लो मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को जो कि क्ले का होता था. तो इन्हीं सब चीजों से उस टाइम चिल्ड्रन खेला करते होंगे, एंड आई थिंक कि उनको मॉडल कार्ट से खेलना सबसे ज्यादा पसंद रहा होगा, बिकॉज इवन टूडे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग विद टॉय कार्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हरप्पन्स एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टूडे. तो हरप्पन पीपल डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन खाया करते थे, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, मस्टर्ड, और फ्रूट्स में बेर इम्पोर्टेंट था. इसके अलावा फिश, मीट, मिल्क, तो ये सब उनका उस टाइम के कॉमन फूड आइटम्स थे. एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स वी ईट इवन टूडे, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, फिश, मीट, मिल्क, ये सब हम आज भी खाते हैं. लेकिन बार्ले जो है वो आजकल कम यूज होता है. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड टू द हरप्पन सिटीज वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स यू रेड इन द चैप्टर 2, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि प्रीवियस चैप्टर में जिन फार्मर्स एंड हर्डर्स की लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था, और इस चैप्टर में जो हरप्पन सिटीज के फार्मर्स एंड हर्डर्स थे उनकी लाइफ प्रीवियस चैप्टर के फार्मर्स एंड हर्डर्स से क्या डिफरेंट थी, एंड अपने आंसर को कोट करने के लिए रीजंस दीजिए. तो देखिए प्रीवियस चैप्टर में जो डिस्कशन थी मेनली रूरल पीपल के बारे में थी, लेकिन इस चैप्टर में अर्बन पीपल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज वो विलेज सोसाइटीज थी एंड ये सिटीज हैं. जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी सिटीज थी यहाँ पे, तो इसलिए एक तो अर्बन एंड रूरल का डिफरेंस है, लेकिन बोथ द केसेस में, चाहे उस चैप्टर में और इस चैप्टर में, फार्मर्स एंड हर्डर्स एक ही तरह का काम करते थे, बट देयर ग्रुप वॉज मच बिगर इन केस ऑफ हरप्पन सिटीज. तो हरप्पन सिटीज के केस में उनका ग्रुप ज्यादा बड़ा था, देयर वर्क वुड हैव बीन मोर ऑर्गेनाइज्ड
क्योंकि ये जो हरप्पन सिटीज थी काफी ऑर्गेनाइज थी, तो इनमें फार्मर्स एंड हर्डर्स का काम भी काफी ऑर्गेनाइज रहा होगा कंपेयर्ड टू व्हाट इट वाज इन अर्लियर सोसाइटीज। ठीक है, एंड एक डिफरेंस ये है कि अर्लियर सोसाइटीज में जो कि रूरल पीपल हुआ करते थे या रूरल सोसाइटी के फार्मर्स एंड हर्डर्स सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना वो यूज कर सके, वो सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूस करते थे। लेकिन हरप्पन सिटीज के केस में फार्मर्स एंड हर्डर्स सोल्ड देयर सरप्लस प्रोडक्शन, वो सेल करने के लिए सरप्लस प्रोडक्शन किया करते थे हरप्पन सिटीज के फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में एंगेज थे, तो फार्मर्स एंड हर्डर्स को ही सबको फूड सप्लाई करने का काम था, जबकि अर्लियर सोसाइटीज में अपने सर्वाइवल के लिए हर कोई स्मॉल स्केल पे कल्टीवेशन किया करता था। ठीक है, सो नाउ द थर्ड चैप्टर इन द अर्लियस्ट सिटीज इज डन एंड आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द लक्ष्मीकांता कॉम्पिटेटिव क्लासेस एंड देयर यू कैन स्टडी ऑल द एनसीईआरटीज ऑफ ऑल द क्लासेस। So please don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Good luck.